गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैट्स. यस्टरडे लाइंस एंड एंगल्स वी डिड, वी विल अगेन गो बैक टू दैट चैप्टर. लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सुनो. अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नो एंड कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ग्रेड A1 इन मैथ्स During the last 10 years in board exams. This data, nobody will give me the collective answer. Just raise your hand. Fine. This collected data is no. Kya? Tum bole? Kya? Ek bacche ne sunna hai, sirf likhna nahi hai. A child wanted to collect the data. How many students got A1 grade in the last 10 year board exam? पिछले 10 सालों में कितने बच्चों के A1 grade आए? This collected data is known as. मैंने बोला ऐसे नहीं बोलना. Primary data, secondary data, raw data, frequency data. Answer बोलो. Wrong. Yes, it is the secondary data. बेटा सिंपल बात थी ये. आपको बताया था पहले ही, जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, the data which is collected by ourselves, ठीक है, जो हम घर घर जहां भी जिस टाइप का भी डेटा है जो हम अपने खुद से कलेक्ट करते हैं, that is known as the primary data, and the data collected from any source is known as the secondary data. तो जो बच्चे ने पिछले 10 साल की इंफॉर्मेशन लेनी है वो खुद जाके थोड़ी लेगा, वो कहीं से लेगा, स्कूल के रिकॉर्ड्स में होंगे. So the child is collecting the data from any other source, so that's why this is known as secondary data. Raw data, frequency, कुछ ऐसे नहीं बोला कैसा ये कैसा टेबल है, ये रॉ डेटा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी में से ऑप्शन आएगा कि उसने जो किसी और से लिया, तो दिस इज नोन एज द सेकेंडरी डेटा. फाइन. ओके, नेक्स्ट सुनो. And please, beta, just raise your hand. ठीक है? When you give the answer quickly ना, then the other students don't get time to think. वो फिर वही answer में शोर में ही रह जाते हैं, उनको सोचने का time नहीं मिल पाता. Suppose you have the class intervals. What is the class size? What is the class size? Raise your hand if you know the answer. Okay, just one minute. Chup rehna hai. Theek hai. Now who will tell me the class size among this? Lakshya, kya ho gaya bete? क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. व्हाट इज द क्लास साइज इन दिस? 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10. ठीक है, व्हाट इज द क्लास साइज इन दिस? यस आई, यस बेटा. सो लिसन टू मी केयरफुली. इफ द क्लास इंटरवल्स आर, एक मिनट सुनो, कंटिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने एमसीक्यू का आंसर देना है. देखिए, इफ द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूस, देन द क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है. एंड इफ द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे, सपोज ये मार्क्स हैं, अगर किसी बच्चे के 1 मार्क है वो इधर इसमें लाया करेगा, अगर किसी के 10 मार्क है वो भी किसी कहाँ आएगा, यही आएगा.
If the class intervals are not continuous, then both the numbers will be included in this. So what is the class size? 1 से लेके 10 तक, that is 10. वो बात अलग है, उसको continuous बनाना चाहते हो तो बना लो 0.5 से लेके 10.5, then 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5, फिर 1.5 0.5, 1 minus 0.5 करोगे ना बेटे, 10 नहीं आएगा ना, तो मतलब करके देखने की जरूरत नहीं है. अगर तो कॉन्टिन्यूस है फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मतलब 1 से लेकर 10 तक जितना है, मतलब 1 भी इंक्लूड होगा, वो लास्ट वाला भी इंक्लूड होगा. 9 इज नॉट द आंसर, 9 विल बी द ऑप्शन टू मेक यू कंफ्यूज. तो जिसने क्लास लगाई है या जिसने पढ़ा वो आंसर दे पाएगा, जिसने नहीं पता, जो पुराने 8th के लेवल तक का ही कर रहा है वो 9 ही लिख के आएगा और गलत हो जाएगा आंसर. ठीक है बेटे, Aditya, I can speak the thing 2 times, 3 times, not again and again 10 times. अभी क्या बोला मैंने? बोला ना 10 बेटा. तो आपको अपने माइंड को थोड़ा खोल के रखना पड़ेगा. हाँ, वो जागो थोड़ा सा, ठीक है? पूरा खत्म करने के बाद आप बोल रहे हो 10 आएगा. What is the fun? Am I cracking any joke here? So be serious. फर्स्ट डे आया स्कूल में 10 अभी बोला है ना आपको. फिर अगर कोई बच्चा पूछ ले तो हमें दोबारा बोलना पड़ता है, आगे नहीं जाना, कुछ और नहीं करना. जहां कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस का मतलब पता है, तो वहां ये पूरा 1 से लेके 10 तक 10 आएगा. जहां कंटिन्यूअस है वहां उसमें से इसको माइनस करके जो नंबर आएगा वो है क्लास क्या. क्लास साइज एंड क्लास विड्थ इज द सेम, चाहे क्लास विड्थ लिखा हो या क्लास साइज लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग. अब एक क्वेश्चन लिखो, मिनिमम वैल्यू इज 86, राइट डाउन एवरीवन. लक्ष्य बेटा गिव मी द डस्टर. मिनिमम वैल्यू इज 86, and range is given to you 32. Find the maximum value. After finding the answer, you have to raise your hand. Let everyone find. Sahil, idhar aa. आंसर ऐसे से बता. हाँ ठीक है, क्या वेरी इजी इट इज. नो वन हंड्रेड एटीन, यस. सो द आंसर इज 118, यस धीरेन. मैम 118, यस. आंसर इज बेटा 118, इज सो इजी, यू नो. आपका आया आंसर योग, ठीक है. वन नंबर आपका हुआ. रेंज इज, हाँ क्या कहता, रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. 32 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मिनिमम इज 86. 86 इधर जाके प्लस होगा, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 118. इसी तरह से आपको मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम पूछा हो सकता है, या मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू गिवन हो सकती है, रेंज पूछी हो सकती है, राइट? अब सुनो, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस. क्लास मार्क, एक जैसे मान लो कोई क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस है. व्हाट इज क्लास मार्क?
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। क्लास मार्क एक क्लास इंटरवल है जिसका क्लास मार्क आपको गिवन है 85 एंड लोअर लिमिट इज 83। व्हाट इज द अपर लिमिट? This is easy. एक मिनट, ऐसे और भी हैं उसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। एक मिनट साहिल, हाँ ऐसे हो जाना है, उनको सॉल्व करने दो, सोचने दो बेटा बच्चों को। Yes, you go. इसके लिए देखो बेटा क्लास मार्क मतलब मिडिल पॉइंट, बेटा पॉइंट नहीं, बोर्ड है तुम्हारा। अच्छा तो पॉइंट लेके चल रहा है, पॉइंट कहाँ से आ जाएगा? फिर नजदीक भी नहीं है, लोअर लिमिट 8.3, क्लास मार्क 85। थोड़ी कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। किसको ये 8.3 लग रहा है? वैसे कुछ नहीं देखेगा, लेकिन बोर्ड का वो जो थोड़ा सा वो नेल लगा हुआ है ना, वो देख लिया तुमने, चौक लगा हुआ। देखो लोअर लिमिट है 83, क्लास मार्क है 85, अपर लिमिट हमने फाइंड करना है। वैसे ये कैसे आएगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू इज क्लास मार्क। व्हाट इज द क्लास मार्क? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू मींस अपर लिमिट हमने फाइंड करनी है, लोअर लिमिट इज 83 बाय टू इज इक्वल टू 85। 85 इंटू टू 170, 170 माइनस 83 इट विल बी 87। वैसे ये कैलकुलेट ऐसे करना है, अदरवाइज अगर हम देखें 83 लोअर लिमिट है, क्लास मार्क मतलब मिडिल पॉइंट, तो 83 से लेके 87 तक क्या होगी? 83 टू 87, 83 प्लस 87 बाय 2 85 आएगा। हाँ वैसे भी हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला लगाते इस तरह से। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखो, लिखो क्लास मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, क्लास मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज 6.5। क्लास मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज 6.5 एंड द क्लास साइज, एंड the class size is 3, find class interval। क्लास इंटरवल, यू हैव टू फाइंड आउट द क्लास इंटरवल, मीन ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल होगा जिसमें जो क्लास साइज है वो 3 है और जो क्लास मार्क मीन मिडिल पॉइंट 6.5 है। फॉर्मूला बताऊं? आंसर चाहिए मुझे, फॉर्मूला क्या करना है? मैंने साहिल पेन भी चलाते होते हैं बेटे, नहीं पेन भी चलाते होते हैं जब दिमाग में एकदम से कोई आंसर नहीं आए। एक्चुअली है नहीं जरूरत लंबा करने की, बोर्ड पे देख। एनीवन ऑनलाइन, कैन एनीवन गिव मी द आंसर? हाँ, ऐसे कौन सा क्लास इंटरवल है मींस लोअर और अपर लिमिट के बीच में 6.5 आए और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके 3 आए?
सुनो सुनो बेटा। हाँ जी, कैन एनी वन आंसर मी? क्लास इंटरवल चाहिए मुझे यहां से ले बेटा जी, क्लास इंटरवल चाहिए यहां से, जैसे 0 से 10, 5 से कुछ 7 और 10 आएगा, 7 और 10 के बीच में 6.7 प्लस 10 17, 17 बाय 2 15.5। लुक हियर ऑन द बोर्ड। ऑल राइट फाइन बेटा, इट्स ओके। ठीक है, अब देखो 5 to 8, 5 to 8, 5 to 8 इज द आंसर। आया कैसे बेटा, देखो क्लास साइज 3 है, क्लास मार्क 6.5। ठीक है, पहले क्लास मार्क क्या होता है? वैसे इसके लिए जो मेथड है, आपने अपने थिंकिंग से 5 to 8 निकाल लिया, जैसे भी कर लिया, ऑप्शन ठीक हो गया, दैट इज द अदर थिंग। बट व्हाट इज द करेक्ट मेथड? क्लास मार्क गिवन है, क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क, दैट इज 6.5। मैं अपर के लिए यू लिखूंगी, लोअर के लिए एल। ठीक है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज 2 × 6.5 = 14। एक ये इक्वेशन आ गई, इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, जो हमें एक कंडीशन गिवन है। और हमें क्या गिवन है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है बेटे? बेटा जी, तू पहले भी पूछा था तूने साहिल से, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6.5 × 2 = 13। पहले पूछा था ना लास्ट क्वेश्चन में, उससे फिर याद नहीं रहा, मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया कि पूछ लिया था आपने। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है? मान लो अगर आपको करेक्ट आंसर चाहिए ना, तो ये आ गई, अब u प्लस l इज 13 एंड u माइनस l इज 3, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। वैसे तो एक की वैल्यू दूसरे में निकाल कर पुट करो, आपको वैसे आता है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसी इक्वेशन आ गई, हमने ऐड की, सपोज करो हमने ऐड किया दोनों इक्वेशंस, ऐसे नहीं आप करते, ये दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को ऐड करना आता है। When we add two equation, left hand side get added to left hand side, right hand side get added to right hand side. U plus L plus U minus L is equal to 16. L L cancel. 2 U is equal to 16. U कितना आ गया? 8. U upper limit कितना आ गया? 8. इसमें पर put कर दो. 8 plus L 13. L कितना आ गया? 5. So the class interval is 5 to 8. वो क्यों करना है, क्यों घुसना है एक्स में? नो नीड, तो फिर आप कर लो। यू लेना वैसे, फिर ऊपर नीचे रख के काट दो, जैसे मर्जी करो बेटा। देर आर मेनी मेथड टू सॉल्व, सब्स्टिट्यूट करो, एलिमिनेट करो, क्रॉस, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बट हम मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। ठीक है, तो अभी तक हम इतना ही करते हैं, बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन लिखो सेम टाइप। अपर लिमिट नहीं, लोअर लिमिट। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये समझ आ गया, लिखो अब। द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मीन्स यस क्लास मार्क, द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10, आंसर बोलना नहीं है। ठीक है बेटा, and the width of the class is 6, find the lower limit. Mid value means class mark is 10, class size is 6, find the lower limit. यह है वंशिका, कैसे किया है, कहाँ किया दिखाओ मुझे।
मन में नहीं किया तुम लोगों ने, ऐसे ऐसे कह देते हो तुम, सेवन तक कैसे पहुंचे? साहिल नहीं, मैंने पूछा ही नहीं आपसे बेटा, आप ऐसे यस नहीं बोलो, आप आंसर तक पहुंचो। हाँ करो कवर नो, कुछ समझ आ रहा है? कर फिर सेवन, मुझे निकाल के दिखा कैसे तू सेवन तक पहुंचा। ऐसे नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिव्यांशी पिछला क्वेश्चन समझ आया था? हमें क्या गिवन है? क्लास मार्क। बेटा आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की, एक्स वाला मैंने करवाया आपको, फिर क्यों मैंने आप जब एक्स वाले में कंफ्यूजन होती है इसीलिए वो फॉलो नहीं ना किया। सीधा यूएल लेके करो, सीधा ऐसे चुटकी में क्वेश्चन हो रहा है, एक्स में घुसना है। इधर देखो सेवन ही आया है। देखो दो चीजें गिवन है ना, क्लास मार्क क्या होता है दिव्यांशी एंड ऑल अदर्स दोज हु आर नॉट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू इज क्लास मार्क। टेन, यहां से इक्वेशन आ गई, यू प्लस एल इज 20, टू टेन सा 20 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6। ये समझ आ गया? समझ आना चाहिए, लिखना है। अब दो इक्वेशन है, u प्लस एल प्लस यू माइनस एल इज इक्वल टू 26। इसी आपस में ऐड हो गई, आपस में ऐड हो गई, एल एल कैंसिल हो गया, 2u इज 26, u इज 13, हमें लोअर लिमिट चाहिए, इसमें पुट कर दो एक इक्वेशन में, 13 प्लस एल इज 26, एल इज 7। दिस इज वेरी इजी। क्लास मार्क माइनस क्लास साइज 10 माइनस 6 बाय 2, 2 आंसर आया। टेन माइनस थ्री क्यों किया? क्लास मार्क माइनस क्लास साइज बाय 2। अच्छा ठीक है, मतलब अगर आपने लोअर लिमिट निकालनी है आपको आता है कर लो, ठीक है, वो भी सही मेथड की बात नहीं है बेटे, वो भी ठीक है जो आपके, ये क्लास मार्क माइनस क्लास साइज बाय 2, ये फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू व्हाट? लोअर लिमिट, ये लोअर। और अगर अपर लिमिट निकालनी है तो ओके ठीक है, नहीं बेटा वो ऐसे नहीं होता। क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते किसी बुक में ऐसे दिया होता है, वैसे तो ये ऑरली भी हो सकते हैं, किसी बुक में फॉर्मूला दिया होता है, बट देखो इसमें कंफ्यूजन, आप कर लो, मैंने लिख दिया, आप नोट करना चाहते हो कर लो। इफ द क्वेश्चन इज क्लास मार्क एंड ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि क्लास मार्क गिवन है, क्लास साइज गिवन है, ठीक है, वैसे मुझे तो ये मेथड ज्यादा इजी लगा। क्यों? एक चीज से एक ही क्वेश्चन, दूसरी चीज से दूसरी क्वेश्चन, जो हम करते हैं उसमें गलती से कंफ्यूजन हो गई अगर कि टू पूरे के नीचे है नहीं है, आप मैंने फोन अपर लिमिट प्लस लोअर एक ही क्वेश्चन यहाँ से एक मतलब एकदम से, चलो आपको जैसे ठीक लगता है, इट डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड टू चाइल्ड। सो आई हैव रिटन द फॉर्मूलाज आल्सो बेटा, इफ यू कैन वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट, अदरवाइज आई लाइक दिस वन, ठीक है जी? ओके, विच इज मोर रिलायबल डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा? रेज योर हैंड। ऑप्शन है विच इज मोर रिलायबल, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, रॉ डेटा, नन। रिलायबल मतलब रिलायबल मतलब जिससे हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। कौन सा मेथड ज्यादा भरोसेमंद है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रॉ और नन? यस एनीवन? हां जी लक्ष्य? यस धीरेन? मैम
मैम आई थिंक प्राइमरी, बिकॉज इन प्राइमरी मेथड वी कलेक्ट डेटा ऑन आवर ओन. यस. विच डेटा इज मोर रिलायबल? मैं कोई चीज खुद कर रही हूँ, आप कोई कैलकुलेशन है, कोई रिजल्ट बनाना है, सपोज आपकी क्लास का रिजल्ट बनाना है, मैंने जनरल बात है, अगर मैं खुद करूंगी तो मुझे ज्यादा भरोसा होगा ना, क्योंकि मैंने अपने हाथों से किया है. अगर किसी और ने किया मैं उसको देखूंगी कि ये रिजल्ट है, तो विच इज मोर रिलायबल, प्राइमरी और सेकेंडरी? द थिंग विच वी डू बाय आवर ओन सेल्फ इज मोर ट्रस्टवर्दी बिकॉज वी ट्रस्ट आवर सेल्फ. सो द प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल. यू नेवर नो, सच क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम एंड साहिल कैन लूज द मार्क. अच्छा, विच टेबल गिव्स अ बेटर पिक्चर ऑफ डेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप्ड डेटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप्ड डेटा जनरल क्वेश्चन है, यू नेवर नो अगर आ जाए तो, कि कौन सा जो टेबल है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है युग? हाँ, और अनग्रुप्ड सिंगल सिंगल नंबर, तो कौन सा ज्यादा बेटर सही पिक्चर दिखाता है आपके डेटा की? जो ग्रुप्ड वाला, जिसमें हम क्लास इंटरवल लेते हैं. ठीक है जी. ये याद रखना है कि अगर क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, then what is the class size? 10. What is the class in, mark for this? थोड़ा जल्दी कम किया करो, ठीक है? What is the class mark for this? 5.5. For this? 20 plus 11, 31 by 2, that is 15.5. तो ऐसे ही MCQ आएंगे. Nothing from out of the way. अच्छा, एक और, जैसे अब आपने बुक देना, आपको डिसकंटिन्यूअस वाला क्लास इंटरवल मैंने डिस्कस कर लिया है. मान लो जैसे बुक का ही क्वेश्चन है, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144. ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये पूछा जा सकता है, बाय व्हाट नंबर यू विल, व्हिच नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड इन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट टू मेक इट कंटीन्यूअस. So which number? 0.5. For this you should know that we take the difference of this, 127 minus 126 is 1. 1 divided by 2 is 0.5. So the answer is 0.5. Suppose aise ho, 118 to 126, 128 to 134, like this. Ab isko continuous banane ke liye, which numbers will be subtracted and added? 1. 1 कैसे आया युग? डिफरेंस कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. ठीक है, व्हाट इज द क्लास साइज? 100. व्हाट इज द क्लास साइज? वन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स 118 भी लेना है, 126 भी बीच में लेना. ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में. ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है. इसके बाद ये आपको एक ये क्वेश्चन था जिसमें क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं था और आपको हिस्टोग्राम बनाना है. ठीक है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें बेटा आपको फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना है. अब ये नहीं है कि एमसीक्यू आने हैं तो वो क्वेश्चन आ नहीं सकता. देखो,
वन टू फोर, फोर टू सिक्स, सिक्स टू एट, एट टू ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ट्वेंटी. गिवन फ्रीक्वेंसी इज सिक्स, थर्टी, फोर्टी फोर, सिक्सटीन एंड. वैसे बुक में क्वेश्चन क्या है, दैट यू हैव टू मेक द हिस्टोग्राम. एमसीक्यू कैन कम दैट दिस इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, वी कैन सी इन विच द क्लास साइज इज ऑल्सो नॉट सेम. कॉन्टिन्यूअस तो है, क्लास साइज इज नॉट सेम. वॉट विल बी द एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल फोर टू सिक्स? What will be the adjusted frequency of this? Do you remember the formula for adjusted frequency? Adjusted frequency is, yes, Akhilesh. Suna? Mujhe nahi suna. Nahi, nahi, be louder. Frequency over class size into minimum class size. कुछ समझ आ रहा है? कल करेंगे, ठीक है? मैं कल करवाऊंगी बेटा. It's 9:04. 1 minute is left. So this question we will not be able to cover today. We will continue it tomorrow. ठीक है? तो ये करके आना adjusted frequency का formula. Fine. So we will continue tomorrow, beta. Take care, everyone.